बार हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, तो हमारे वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मिलती रहे सबसे पहले ऐसे वीडियो की और आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को मात्र एक मिनट में चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे दो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि सबसे पहले अपने को ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पर। बैकग्राउंड इरेजर के नाम से है और इसका लोगो कुछ इस प्रकार से है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस ऐप के डाउनलोड होने के बाद में आप जैसे इसको ओपन करोगे तो नया टैब खुलेगा और आपको यहाँ पे लोड ए फोटो पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप जो भी फोटो है उसका बैकग्राउंड आप इरेज करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, वो फोटो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप गैलरी में गए और यहाँ से मैं डाउनलोड पे एक फ़ोटो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डन करना है। डन करने के बाद में दोस्तों, इसमें यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप ऑटो पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फ़ोटो के बैकग्राउंड को सेकंड टूल ऑटो से हैं, ये करने के बाद में हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद में इससे अपन इस तरीके से फ़ोटो के बैकग्राउंड को हटा देंगे और यहाँ पे डन का ऑप्शन है, डन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हो ये फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, तो आप यहाँ से सेव का ऑप्शन है, सेव कर लीजिएगा। जैसे ये फ़ोटो सेव हो गई, सेव होने के बाद में आप अपने मोबाइल में काइनमास्टर डाउनलोड करना है। काइनमास्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। काइनमास्टर में जाके सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जैसे ही काइनमास्टर ओपन होता है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, साइज ले लेंगे, यहाँ से मीडिया पे क्लिक करेंगे। हम मीडिया पे बैकग्राउंड पे चेंज, यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड पे वाइट कलर ले लेंगे अपन। दोस्तों, वाइट कलर लेने के बाद में लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद में हम बैकग्राउंड पे जो भी फ़ोटो लगानी है वो चॉइस कर लेंगे। जैसे बैकग्राउंड पे अपन ले लेते हैं, बैकग्राउंड पे जैसे ये नेचर की फ़ोटो ले लेते हैं, इसको यहाँ से फिट में फिट साइज कर देते हैं, यहाँ से फिट स्क्रीन कर देते हैं। फिर दोस्तों, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद में लेयर पे क्लिक करते हैं। लेयर पे क्लिक करने के बाद में मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो अपन ने अभी फ़ोटो इरेज किया था वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, और यहाँ पे फ़ोटो को सेव करने के लिए ये कैप्चर का ऑप्शन है, कैप्चर पे क्लिक करना है, कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है, ये फ़ोटो आपकी सेव गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको सिखाऊंगा फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने का दूसरा तरीका। आपको क्रोम पे क्लिक करना है। क्रोम पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे यूआरएल बॉक्स में टाइप करना है BG टाइप करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद में जो ऊपर में ऑप्शन है ये रिमूव BG, इस पर क्लिक करना है।
जैसा कि ये साइट ओपन हो रही है, और आपको यहाँ पे अपलोड इमेज है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, या नया टैब खुलेगा, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद में रिसेंट में जाके आपको अपने गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जिस फोटो का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो आपकी का। तो मैं ये वापस ये फ़ोटो ले लेता हूँ। दोस्तों, आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स में जाके आप गैलरी में से आप अपनी जो भी फ़ोटो हो उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये फ़ोटो वापस। दोस्तों, कुछ समय 5 सेकंड का टाइम लगेगा, ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा फ़ोटो का। देखिए दोस्तों, ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है। आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुकी है। तो अपन देखते हैं इसका बैकग्राउंड PNG हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, इस तरीके से अपन इसकी PNG इमेज भी बना सकते हैं और उसको फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। धन्यवाद।